हेलो फ्रेंड्स, टुडे मैं आपको ऐसे दो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कि जिसको हमेशा हम यूज करते हैं लेकिन कितनी बार हम उसका गलत यूज करते हैं। ऐसे दो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस जिसे हम कहेंगे ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर का यूज तो हम जनरली अच्छी तरह से कर लेते हैं लेकिन वन अनदर का यूज जब करना होता है तो बहुत बार हमारे सामने कंफ्यूजन होता है और हम ईच अदर की जगह पर वन अनदर का यूज कर देते हैं। तो ऐसे दो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस जिसे हम देखते हैं, ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर का यूज जो है वो हमेशा दो व्यक्तियों के लिए या कोई दो चीज के लिए हम करते हैं, और वन अनदर मींस की मोर देन टू। कितने मोर देन टू? अगर दो से ज्यादा व्यक्ति की बात करनी हो हमें या कोई चीज की बात करनी हो तो हम वन अनदर का यूज करते हैं। अब कैसे? हम उसे एग्जाम्पल के साथ देखेंगे कि राम एंड सीता लव्ड ईच अदर। राम एंड सीता लव्ड ईच अदर। राम और सीता दोनों एक दूसरे को लव करते थे। तो यहां किसकी बात हुई? राम की और सीता की। राम और सीता मीन्स कितने व्यक्ति हुए? दो हुए। यस, तो दो व्यक्ति की यहां बात की है इसलिए हमने यूज किया ईच अदर। और वही सेंटेंस देखो कि गॉड वांट्स, गॉड चाहते हैं अस टू लव। भगवान चाहते कि हम सब एक दूसरे को चाहे। यस, एक दूसरे को मींस यहां हमने यस का यूज किया है। गॉड वांट्स अस टू लव वन अनदर मीन्स कि हम सब की बात की है कि हम सब एक दूसरे को प्यार करें, एक दूसरे के साथ प्यार से रहें। तो यहाँ कितने जन की बात है? दो से ज्यादा की। यस, अब दूसरा सेंटेंस कि बागा, अब देखते हो नहीं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें दो कैरेक्टर है बागा एंड नटू काका। Help each other. किसकी बात की है? या दो व्यक्ति की, बागा और नटू काका की। इसलिए हमने क्या यूज किया? Each other. और वही सेंटेंस आगे हम देखते हैं कि all the members of Gokuldam help one another. Yes, यहां सिर्फ बागा और नटू काका की बात नहीं है। यस, यहाँ कितने जन की बातें? सभी मेंबर्स की बातें, जो भी गोकुल धाम में रहते हैं वो सभी फैमिलीज की बातें, सभी मेंबर्स की बातें, मींस के दो से ज्यादा व्यक्ति की बातें। तो हमने क्या यूज किया? वन अनदर यूज किया। आगे देखते हैं कि राज एंड रोहन ओफन फाइट विथ ईच अदर। ओफन बार-बार हमने देखा है दोनों को लड़ते हुए, किसको? राज और रोहन को। तो राज और रोहन दो व्यक्ति है, दो व्यक्ति की बात की है इसलिए यहाँ ईच अदर का यूज किया है। और यहाँ देखो द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 एंड 9th। स्टूडेंट्स कौन से स्टूडेंट्स? 8 स्टैंडर्ड के और 9th स्टैंडर्ड के। तो दो से ज्यादा स्टूडेंट्स की बात की है। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 एंड 9 फाइट विथ वन अनदर। क्या यूज किया हमने? वन अनदर। क्यों? कि यहां पर दो से ज्यादा व्यक्ति की बात की है। आगे और एक एग्जांपल देखते हैं, रिया एंड दिया। हाउ मेनी? ओनली टू। ग्रीट ईच अदर रेगुलरली। दोनों एक दूसरे को ग्रीट करती है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। यस, हमेशा वो ग्रीट करती रहती है। और यहाँ पर पीपल सेंड ग्रीटिंग का
cards to one another during Diwali. Diwali के समय में हम एक दूसरे को greeting cards भेजते हैं. Yes, एक दूसरे को means कि दो व्यक्ति की बात है, हम बहुत सारे हमारे रिश्तेदार को greetings card भेजते हैं. तो यहाँ पर आपको बराबर समझ में आ गया होगा कि each other means दो के लिए, दो का, दो से. यस, दो व्यक्ति की जब बात की हो तब हम each other का यूज करेंगे. और one another means कि more than two, दो से ज्यादा व्यक्ति की जब बात हो तब हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं one another का. तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरा वीडियो each other और one another का डिफरेंस क्या है वो बराबर समझ में आ गया होगा. अगर अच्छी तरह से समझ में आया हो तो आप जरूर से ये वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरी जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करना. थैंक यू वेरी वेरी मच.